वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत को पांचवें टी20 मुकाबले में 5 विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा। इसी के साथ टीम इंडिया को टी20 सीरीज 2-3 से गंवानी पड़ी। टी20 सीरीज में मिली हार के बाद भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद का गुस्सा एक बार फिर टीम इंडिया पर फूट पड़ा। भारतीय टीम की कड़ी आलोचना के लिए सुर्खियों में रहने वाले पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने इस बार हार्दिक पांड्या को आड़े हाथ लिया। कप्तान हार्दिक पांड्या और उनकी टीम को फटकार लगाते हुए वेंकटेश प्रसाद ने ट्विटर पर लिखा कि भारत को अपनी स्किल में सुधार करने की जरूरत है, खिलाड़ियों में जीत की भूख और आक्रामकता की कमी है और कप्तान भी हर बार इन सब बातों से अनजान दिखते हैं। गेंदबाज बल्लेबाजी नहीं कर सकता, बल्लेबाज गेंदबाजी नहीं कर सकता, इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि आप हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों की तलाश में न रहें और इस कारण अंधे भी न बन जाएं। कोई आपका पसंदीदा खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर उसकी अच्छाई देखें। वेस्टइंडीज के हाथों भारत की करारी हार के लिए हार्दिक पांड्या को जिम्मेदार ठहराते हुए वेंकटेश प्रसाद ने ट्विटर पर लिखा कि हार्दिक पांड्या पराजय के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें जवाबदेह होने की जरूरत है। अब प्रोसेस जैसे शब्दों का दुरुपयोग होता है, धोनी का यही मतलब था। दोस्तों, अब बस इस शब्द का प्रयोग करें। टीम सिलेक्शन में कोई निरंतरता नहीं है, रैंडम चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। वेस्टइंडीज ने 2017 के बाद भारत के खिलाफ पहली टी20 सीरीज जीती है। अंतिम मैच की जीत में ब्रेंडन किंग स्टार रहे, जिनकी नाबाद 85 रन की पारी में 5 चौके और 6 छक्के शामिल थे। ये उनका टी20 में सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है। भारतीय टीम ने सीरीज में 0-2 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए सीरीज 2-2 से बराबर कर ली, लेकिन खिलाड़ी डिसाइडर मुकाबले में लड़खड़ा गए और सीरीज गंवा बैठे। इंडिया टीवी क्रिकेट की रिपोर्ट।